तो हेलो गाइस, आज फिर से भाई आप लोगों के लिए मैं एक धमाकेदार वीडियो लेके आ रखा हूँ, एचपी 166 कार्ट्रिज। तो भाई कैसे इस कार्ट्रिज को आज हम रिफिल करेंगे, उस चीज़ के बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। रोज आप भाई आपको लिए कुछ ना कुछ नया लेके मैं आता हूँ दोस्तों। तो ठीक है भाई, ये सारा कुछ ये देख लो आप। तब तक अगर चैनल पर नए हो लो आप लोग तो भाई प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके दोस्तों। तो भाई ये रही हमारे यहाँ पे कार्ट्रिज, ठीक है। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे इसके सारे लॉक होते हैं। ये बिल्कुल भाई सेम वैसे खुलती है जैसे आपके पास 108W जो प्रिंटर है उसमें जो कार्ट्रिज लगती है आपकी 110A, तो भाई उसी के तरह ये कार्ट्रिज सेम है, ठीक है। तो कैसे इसको खोलते हैं सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले भाई यहाँ पे इसके प्लास्टिक के लॉक होते हैं यहाँ पे। तो भाई ये देखो कैसे इसके लॉक को खोले जाते हैं, यहाँ पे सारा कुछ मैंने यहाँ पे आप खोल खोल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो भाई ऐसे हम तब जाएंगे क्योंकि इसमें दोस्तों स्क्रू हमारे एक भी नहीं होता है, इसमें सारे होते हैं हमारे प्लास्टिक के लॉक का पूरा खेल इस कार्टेज में। तो वही हमें सीखना है, ठीक है। ध्यान से खोलना भाई, कोई तोड़ताड़ नहीं देना कुछ, ठीक है। शुद्ध देसी भाषा में तोड़ना नहीं है बिल्कुल ही, आराम से बड़े प्यार से, यार इतने प्यार से कार्टेज खुल जाते हैं ना, आप बड़े आसानी से अपने घर पर भाई इस कार्टेज को रिफिल कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सारा कुछ मैंने इसमें खोल दिया है। इसको खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, एक लॉक यहाँ पे ये होता है, ठीक है। अब हमें इसको छेड़ना नहीं है, हमें पता है क्या करना है इसमें। अब यहाँ से हम कार्टेज को कुछ इस तरह से यहाँ से उठा देंगे, ये देखो धीरे धीरे करके। ये देखो जैसे मैंने यहाँ से उठाई और ऑटोमेटिक वो लॉक जो हमारे ब्रेक हो जाते हैं भाई, ब्रेक यानी टूट जाएंगे वो, ठीक है। टूटना ऐसा मतलब नहीं है कि पूरा निकल के बाहर हो जाएगा, टूट जाएंगे तो वो मैंने खुल जाएगा वो। तो हमारी भाई कार्टेज अब यहाँ पर दो पार्टों में डिवाइड हो चुकी है, बिल्कुल अलग अलग, ठीक है। अब सबसे पहले हमें पता है इसमें क्या करना होता है भाई, सबसे पहले हम इसमें करेंगे इसका पीसीआर को निकाल देंगे। ये पीसीआर देखना आप लोग, ये देखो यहाँ पे ये हमने निकाल दिया। इसके बाद भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर दो स्क्रू होते हैं, इसके अंदर होता है हमारा वेस्ट इंक, वेस्ट वाली इंक जो होती है हमारी, वो इसके अंदर भरी होती है दोस्तों। तो हमें खाली करनी होती है, अगर हम खाली नहीं करेंगे ना तो हमारे पेपर में जो है कि बाद में जो होगी, अगर इसके ऊपर हम रिफिल कर देंगे बाद में इसके प्रिंटर के ऊपर हमारा, सॉरी माफ कीजिएगा, पेपर के ऊपर हमारा पूरा ब्लैक कलर की इंक बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो इससे हमारा प्रिंटर ख़राब भी हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप चाहे इसको खोल सकते हैं, दो स्क्रू होते हैं, ठीक है, या खोल के भी कर सकते हैं आप, बिना खोले भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरा खोल के दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे भाई मैंने इसको खोल दिया है, तो ये देख लीजिएगा यहाँ पर, ये मैंने इसकी क्या कहते हैं इसको वाइपर ब्लेड को यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है। ये इसके अंदर इतना वेस्ट टोनर है, अब भाई हमें इसको ऐसे नहीं फेंकना है यहाँ पर, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम एक अखबार बिछा देंगे यहाँ पर, जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो भाई मैंने यहाँ पर अखबार बिछा दिया है, अखबार बिछाने के बाद भाई मैं इसको सारा वेस्ट जो इंक जो इसके अंदर है सारा निकाल के झाड़ झूड़ के एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है, होतला होतला बजा बुझा के इसको, ठीक है। ये देखो जितना भी इसके अंदर डस्ट होता है इसका वेस्ट इंक, उसको हम सारा निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के बाद भाई वापस हम फिर से जिस तरीके से हमने इसको खोला था उसी तरीके से हम इसको वापस लगा देंगे इसमें। तो आपने बिल्कुल जैसे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ ऐसे आप लोगों ने करना है। अब आप लोगों को ये नहीं पता कि इसमें इंक कौन सी आती है, भाई गलती मत कर जाना, ठीक है, भूल मत जाना इंक डालना, कौन सी इंक डालनी है। अगर गलत इंक डालोगे तो भाई गलत परिणाम आएंगे, और अच्छे इंक डालोगे तो अच्छे परिणाम आएंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देख लीजिएगा, सारा कुछ बताऊँगा आज आप लोगों को इस वीडियो में, फिर कौन सी इंक इसमें पड़ती है, क्या इसमें चिप भी चेंज करनी पड़ेगी हमें क्या। भाई साफ साफ पहले बता दूं आप लोगों को इसमें चिप बिल्कुल भी चेंज नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम भाई इसके हम अभी स्क्रूप लगा रहे हैं, स्क्रूप लगाते हैं आराम से, स्किप करके अगर वीडियो देखोगे ना भाई तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा आप लोगों को, और गलत कर बैठोगे। तो यहाँ पर अभी एक मेन चीज़ जो है यहाँ पर जो इसका पीसीआर है वो कैसे लगाते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। तो ये देख लीजिएगा यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा हल्का सा भाई साफ कर देंगे जो इसके ऊपर टोनर वगैरह लगा रहा था बाहर, ठीक है, ब्लेड के ऊपर का नहीं करना है। अभी हमारा पीसीआर है, इसको भी हम हल्के हाथों से रब कर देंगे, यानी हल्का सा रगड़ना नहीं जोर से, बिल्कुल एकदम तेज नहीं रगड़ना कि तुम्हारा पीसीआर जो कि खराब हो जाए, ठीक है, हल्के हाथों से। तो इसको ऐसे लगाना है भाई यहाँ पर पीसीआर को, देख लीजिएगा ये पार्ट हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट हो गया, ठीक है। ये देख लीजिएगा, इसको रख देते हम साइड में। तो भाई अब बारी हमारी इसके अंदर इंक डालने की, जिसके अंदर हम इंक डालेंगे भाई, ठीक है। तो वो इस पार्ट में भाई इंक पड़ती है, उसका कहीं गलती से आप उस वाले पार्ट में मत डाल देना। तो भाई अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसका ड्रम को बाहर निकालेंगे। अब कैसे ड्रम बाहर निकलता है ये ध्यान से आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा दोस्तों। तो भाई जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने ड्रम इसका निकाल दिया है बाहर भाई,
अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस पर दो स्क्रू होते हैं, ये देखो यहाँ पे दोनों स्क्रू हमें खोल देने हैं, ठीक है। अगर कई लोग भाई, अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, कई लोग पता क्या करते हैं, यहाँ पे बस इतना कर देते हैं, साइड में इसका एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन को खोल देते हैं, और ढक्कन साइड में खोलने से उसके ऊपर से इंक ठोक इंक ठोक इंक उसके बाहर से ही इंक ठोक देते हैं, ठीक है, समझ गए ना आप। मतलब टेम्परेली जुगाड़ बोलते हैं उसको, एक तरीके का, बाहर से ही इंक ठोक देंगे उसमें और आपके प्रिंटर में लगा देंगे भाई। जब प्रिंटर में लगाते हैं तो भाई प्रिंट क्वालिटी हमारी बिल्कुल सही नहीं आती है, ठीक है। तो भाई इसको प्रॉपर तरीके से अगर आपको कांटे रिफिल करनी है तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पे देख लीजिए इसके अंदर ही इसका मैग्नेट रोलर है, ठीक है, डेवलपर रोलर है, बस आपको बोल सकते हैं आप। इसको भाई हम कुछ इस तरह से यहाँ से बाहर निकाल देंगे, सारा कुछ हमें निकालना, ध्यान से निकालना, हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। ये इसका जो गियर निकला ना, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ पर लगता है। प्रॉपर तरीके से भाई इसको हम साफ कर देंगे। अब भाई अब इसमें आप ये बोलेंगे इंक कौन सा आती है इसमें, भाई इंक इसमें आती है नॉन मैग्नेटिक इंक, ठीक है, जो आप 110 में डालते हैं वो वाली इंक आप इसके अंदर यूज़ करनी है दोस्तों, आपने नॉन मैग्नेटिक इंक इसके अंदर आप लोगों ने यूज़ करनी है। और भाई इसको हम अपने कैंची से कट कर देंगे आगे से, तो भाई इसके अंदर इंक डाले तो कट तो करना ही पड़ेगा ना, बिना कट करे कैसे इंक चली जाएगी इसके अंदर। तो भाई यहाँ पे आप लोग देखो, ध्यान से देखो आप लोग, कुछ इस तरह से हम इसके अंदर इंक को धीरे 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 करके डाल रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये देखो यहाँ पे इंक हमारी बिल्कुल धीरे धीरे इसके अंदर हम डाल लें भाई, तब तक डाल लें जब तक ये पैकेट हमारा पूरा ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। 70 से 80 ग्राम तक इंक आप इसके अंदर आसानी से डाल सकते हो दोस्तों। तो ये देखो भाई हमें यहाँ पर डाल लें भाई, जब तक इंक इसके अंदर जाती है। दोबारा फिर से एक बार बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए भाई, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, दबा के शेयर करो, ठीक है, दबा के कमेंट करो आप लोग। यार जो मैंने इससे पहले जो इसकी वीडियो बनाए थे ना 110 कांटे के, उस वीडियो पर भाई आप लोगों ने बहुत सारा प्यार, आपने भर भर के कसम से आपने देखी वो वीडियो, एकदम मज़ा आ गया कसम से। ऐसे ही आप लोगों ने इस वीडियो में भी प्यार आप लोगों ने दिखाना अपना यार, ठीक है। तो यहाँ पर भाई अभी हमारी इंक इसके अंदर जा रही है प्रॉपर तरीके से। ये देखो यहाँ पे ये इंक दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे इंक पूरी जा चुकी है दोस्तों, ठीक है। ये देखो एकदम जूम करके मैंने आप लोगों को दिखा दिया, यहाँ पे इंक हमारी पूरी इसके अंदर जा चुकी है। अब हमें क्या करना है भाई इसमें, ये भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर ये हमारे इसके अंदर ब्लेड है, इस ब्लेड को भाई हमें हल्के हाथों से एकदम क्लीन करना है। अगर हम ज़्यादा रगड़ेंगे तो ये ब्लेड हमारी टेढ़ी हो जाएगी, ये तो हमें टेढ़ी नहीं करनी है, पर टेढ़ी होगी तो टेढ़ा प्रिंट आउट आएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल सीधी रखना है जैसे ही बिल्कुल है। यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर ऊपर इंक जम जाती है, वो इंक जम जाएगी तो भाई आपके जो मैग्नेट रोलर है ना, डेवलपर जो रोलर है इसका, उसमें प्रॉपर तरीके से इंक नहीं आएगी। तो जैसे आप प्रिंट निकालोगे तो आपके प्रिंट में कहीं पर लाइट प्रिंट आएगा, कहीं पर डार्क प्रिंट आउट आएगा दोस्तों। तो भाई हमने ये क्लीन करके एकदम अच्छे तरीके से, तो यहाँ पे इस पर हम स्क्रू लगा देते हैं। ये देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर कैसे मैं यहाँ पे स्क्रू लगा रहा हूँ, तो ऐसे आप लोगों ने इसमें स्क्रू लगा देने मेरे भाई, कस देना इसको भाई, ज़्यादा तेज़ मत कसना, आराम आराम से कसना इसको, ठीक है, ध्यान से सारा स्क्रू कस देना। अब यहाँ पे क्या करना है, अपने जो मैंने मैग्नेट रोलर बोलते हैं, डेवलपर रोलर जो बोलते हैं इसको, ठीक है, जो भी आप जैसा आपको अच्छा लगे, तो इसको कैसे लगाते हैं यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक। अच्छे एंगल से भाई आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा ऐसे ऐसे घुमाएंगे इसको रोड गियर को, तो हमारी जो इसके ऊपर की इंक है वो थोड़ा नीचे और चली जाएगी। अब भाई अब बारी हमारे इस रोलर को लगाने की, तो इसको भी हम लगा देते हैं अच्छे तरीके से, रब करेंगे इसको हल्का सा हल्के हाथों से, ताकि इस पर कोई भी फिंगरप्रिंट या कोई भी निशान इस पर ना रहें, वो हमारे प्रिंट आउट में ना आए, ठीक है। तो भाई ये देखो आप यहाँ पर ध्यान से देखना आप लोग एकदम बिल्कुल मिस्टेक मत करना यहाँ पे। अभी इसमें एक साइड ही लंबा होता है, ठीक है, कट, और एक साइड छोटा होता है, ये ध्यान देना। अब ये कहाँ लगेगा लंबा छोटा, ये भी सारा कुछ आप लोगों ने इस वीडियो में देखना है, कुछ इस तरह से दिखाएंगे हम, ठीक है। अभी आपको ध्यान देना, कहीं लोग गलतियाँ कर जाते हैं, गलत लगा लेते हैं, ठीक है, लगता नहीं है, फिर लगे रहते उस पर लगाने पर, लगे रहते लगाने पर लगता नहीं भाई वो भी, ठीक है। तो आपने कैसे लगाना मेरे को देखना ध्यान से, भी जैसे मैंने आप लगा दिया, ठीक है, उस साइड को घुमा दिया। अब कैसे लगाना है, गियर साइड देखने, जहाँ इसके गियर होंगे ना कार्ट्रिज के, ये वाले गियर, तो इस साइड को भाई ये वाला जो लंबा वाला इसका जो चौंच है, चौंच बोलो है, चौंच ही बोल देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है,
तो ये यहाँ पे हमें लगा देनी है भाई, कुछ इस तरह से यहाँ से डाल देंगे और यहाँ से जैसे हम इनको हल्का प्रेस कर देंगे प्रॉपर तरीके से हमारी फिट बैठ जाएगी दोस्तों। तो ये देखो भाई, ये इसका प्रिंटर मॉडल जो है कि प्रिंटर जो नया प्रिंटर अभी लॉन्च हुआ था तो वो प्रिंटर मॉडल है इसका 1188, ठीक है। 1188 प्रिंटर में एक भाई ये काटे लगती है 166 नंबर के। तो भाई इतनी प्रक्रिया हमने यहाँ पे पूरी कर चुके हैं सारा कुछ। अब ड्रम हम इसमें अभी यही लगाएंगे क्योंकि ड्रम की क्वालिटी हमारी ठीक ठाक है, उतनी गलत भी नहीं है, चल जाएगा और प्रिंट आउट हमारा ठीक ठाक निकल के बाहर आ जाएगा जिससे हम आसानी से पढ़ सकें। तो भाई ये भी हमने यहाँ पे लगा दिया है, ये देखो एकदम फिट हो गया ना। अब भाई आप क्या करेंगे, हम अपने इस कार्टेज को एकदम अच्छे तरीके से एकदम फिट कर देंगे इसके अंदर। ये हमने यहाँ पे एकदम कार्टेज अच्छे तरीके से लगा दिया भाई। अब ये कार्टेज लगाने के बाद भाई हम क्या करेंगे, इसके साइड के जो हमने ढक्कन खोले थे वो भी हमें लगा देने, चिपका देने वापस से, तो वापस से इसके अंदर चिपका देंगे उसको, ठीक है। कुछ इस तरह से ये देख लीजिएगा, थोड़ा मार दीजिएगा हाथ से इधर उधर और फिट बैठ जाएगा दोस्तों, ठीक है। सारे जो लॉक है इसके अंदर वो प्रॉपर तरीके से सारे फिट हो चुके मेरे भाइयों, ये देखो आप यहाँ पे। अब दूसरे साइड का भाई यहाँ पे ये है ढक्कन इसका, इसको भी हम लगा देंगे अच्छे तरह से। ये देख लीजिए, ये भी मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लगा दिया है भाई। अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ले आता हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट आप लोगों के आते हैं यार, बड़ा दिल खुश होता है कसम से यार। ऐसे कमेंट क्या करो, कुछ लोग हैं भाई, कुछ लोग जो कि जिनका काम धाम कुछ होता नहीं है, बस उल्टे सुलटे कमेंट करके चले जाना है बस, ठीक है। तो आप उन लोगों में से नहीं, आप बड़े अच्छे लोग हो। तो भाई ये यहाँ पे हमारा ये कार्टेज रिफिलिंग का तरीका पूरा हो गया। अब ये प्रिंटर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि 1188 प्रिंटर है, इसके अंदर भाई ये कार्टेज लगती है। तो चलिए भाई, अब कार्टेज हमने रिफिल कर दिया है, अब इसका प्रिंट आउट तो भाई आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है। तो भाई हमने ढक्कन ओपन करा और ढक्कन ओपन करने के बाद ठोक दिया हमने इसके अंदर कार्टेज, तो इस तरह से लगा दिया। करो भाई इसको बंद करो, ये हमने बंद कर दिया, इसको हम बंद करेंगे। चलिए भाई हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले आप लोगों को इसका वो दिखाएंगे क्या, टेस्ट प्रिंट। तो कैसे इसका टेस्ट प्रिंट निकलता है वो भी आप लोगों को इस वीडियो में देख लेंगे आप लोग, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग, मशीन रेडी है बिल्कुल, कोई भी एरर नहीं है। तो इसमें हम भाई अभी टेस्ट पेज दे रहे हैं, ठीक है। तो भाई अब ज़्यादा ना कहते हुए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, कमेंट करें, भर भर के कमेंट करो, ठीक है। जितना आपका मन करे, जितना आपका मन करे भाई उतना भर भर के आप इसके अंदर कमेंट कर सकते हो। देखो दोस्तों यहाँ पे प्रिंटर हमारा निकल के आ चुका है। तो भाई तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, बाय।